आगे नहीं करा पा रहे। मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए अंतिम मौका उच्च शिक्षा मंत्री ने दिया है। 23 अक्टूबर तक विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए एक बार फिर मौका दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय समस्त विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक प्रवेश दिए जा रहे हैं। इस वर्ष 70,000 से अधिक एडमिशन हो चुके हैं। 1,00,000 से अधिक बच्चे अभी भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रवेश पाना चाहते हैं। जिनका 21 अक्टूबर को एडमिशन नहीं हो सका था, उन्हें मौका दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एडमिशन की दिनांक 21 अक्टूबर अंतिम तारीख रखी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दिया है। जब 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पुनः अंतिम अवसर उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न महाविद्यालय विश्वविद्यालय के सभी स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को पंजीकृत करते हुए उनको मौका दिया जा रहा है, ये अंतिम अवसर रहेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता और संतोष भी है कि लास्ट ईयर से 70,000 एडमिशन ज्यादा हो चुके हैं, लगभग 6,31,500 से ज्यादा एडमिशन आज हो चुके हैं। लेकिन मेरी जानकारी में भी आया है कि लगभग 1,00,000 पंजीकृत पोर्टल में विद्यार्थी अभी भी प्रतीक्षा रहते हैं जिनको एडमिशन की जरूरत है। ऐसे सभी विद्यार्थियों को अंतिम अवसर देते हुए यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग लगातार प्रगति करते हुए उन सबको भी मौका दे रहा है, जिनके माध्यम से वो पूरे साल रेगुलर अपने अपने अलग अलग संकायों में अध्ययन कर सके। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि प्रदेश में खाद वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित